दोस्तों कितना ही बढ़िया होता ना कि अपने पास भी ऐसा एक इनविजिबिलिटी क्लॉक होता जिसको अपन पहन लेते और बस दुनिया के लिए गायब हो जाते। दोस्तों मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। आई एम अ फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर विद यू गाइस द कनेक्शन ऑफ हैरी पॉटर विद आर जे एडवांस क्वेश्चन। मेरे को पता थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में क्लिक हुआ होगा कि जे एडवांस का क्या लेना देना इससे। दोस्तों जे एडवांस जो है वो अपना एक सबसे बड़ा एग्जाम है जो अपने देश में होता है, जो 11वीं 12वीं के साइंस के बच्चे लिखते हैं। पूरा 2 साल देते हैं उस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो उस एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं वो क्या सोचते हैं, उनके बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा होता है, मुझे ये भी तो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहा जाता है ना कि आप अगर अपने एनिमी को पहचान लेते हो, उसकी सारी चीजों को जान लेते हो, तभी आप उस पर अच्छे से अटैक करके उसको हरा सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो जो क्वेश्चंस मेरे को जे एडवांस के पेपर में दिखते हैं, अगर मुझे उसके पीछे की फिलॉसफी समझ में आ जाए तो मेरे लिए उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसा ही मैंने एक वीडियो दोस्तों पहले भी किया था, दैट वाज रिलेटेड टू न्यूटन बर्नौली एंड जे एडवांस, और वो काफी बच्चों को पसंद आया। तुमने उसको खूब सराहा, उसको बहुत प्यार मिला, उसके 150K+ व्यूज हो चुके हैं। ये भी कुछ वैसा सा ही वीडियो है। यहां पे भी मैं एक जे एडवांस का क्वेश्चन उठा रहा हूं और उसके पीछे के एक साइंस के फील्ड को एक्सप्लोर कर रहा हूं, लेकिन यहां पे अपना जो मेन किरदार है वो हैरी पॉटर है। देखो दोस्तों, अगर मैं देखूं, अगर मुझे किसी चीज को देखना है, मेरे को कोई चीज को विजिबल करना है, तो उसके लिए मुझे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं? कि जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पे गिरेगी और वो जब मेरी आंखों में वापस आएगी तो मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखेगा, ये मुझे पता है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए जो सारी की सारी लाइट को खा जाए और कुछ भी वापस ना आने दे, तो क्या होगा? तो वो जैसे कि मान लो अपना ब्लैक होल, तो वो ब्लैक होल के जैसा हो जाएगा, यानी एक काला गोला है बीच में और मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो भी रोशनी गिरी तो वो मेरे को वापस नहीं मिल रही। बट द थिंग इज, क्या ब्लैक होल जो है वो इनविजिबल है? तो देखो दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। ये जो बीच वाला ब्लैक होल का जो बीच का सेंटर है, ये इनविजिबल नहीं है, ये काला है, क्योंकि पूरा बैकग्राउंड काला है। तो उस बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं ये खो गया। अगर ये आउटर रिंग नहीं होती लाइट की तो ये मुझे इसलिए नहीं दिखता क्योंकि ये बैकग्राउंड में खो गया। बट देन दिस इज नॉट बीइंग इनविजिबल, ये इनविजिबिलिटी नहीं है, ये बैकग्राउंड में खो जाने वाली बात है, कैमोफ्लॉज हो रहा है ये, राइट? इनविजिबिलिटी जो है वो कुछ ऐसा है, व्हेन जो अपने हैरी पॉटर है उनने जब इनविजिबिलिटी क्लॉक को अपने ऊपर डाला तो ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। इनविजिबल मतलब इनके पीछे की चीज मुझे दिख रही है। लेकिन कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, और इस सब का रिलेशन जे एडवांस से कैसे है? तो दोस्तों अपन थोड़ी सी कहानी सुने पहले। तो कहानी कुछ ऐसे है कि एक आइडिया आया था जगदीश चंद्र बोस, जो अपने आचार्य जगदीश चंद्र बोस हुए, उनके दिमाग में। उनने एक पेपर लिखा था 1898 में कुछ मटेरियल प्रॉपर्टीज के बारे में कि कैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वगैरह से इंटरेक्ट करता है। उसको माना जाता है कि वो एक बेस है और वो बेस जब एक पूरे बड़े फील्ड के फॉर्म में डेवलप हुआ तो वो जो फील्ड बना वो बना मेटा मेटीरियल का फील्ड। मेटा मेटीरियल जो है दोस्तों वो कुछ ऐसे मेटीरियल हैं जो नेचर में नहीं होते, जो प्लास्टिक और मेटल्स को मिला के लैब में बनाए जाते हैं, ठीक है। ये जो मेटीरियल होते हैं इनका मेन यूज जो आज तक होता आया है वो कम्युनिकेशन में आया है, डिफेंस में आया है, एरोस्पेस में आया है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आया है, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, इन सब में रहा है। लेकिन एक जो इमर्जिंग फील्ड आ रहा है इसके अंदर, वो आ रहा है इनविजिबिलिटी क्लॉक का। होता क्या, लेट्स सी। अगर मेरे पास कुछ रे ऑफ लाइट आ रही है और मेरे पास एक ऐसा मटेरियल है जो उन रेज को टकराने की बजाय ऐसे घुमा के निकाल दे मटेरियल, ये बीच में जो है ये वो ऑब्जेक्ट है जिसको मेरे को छुपाना है, मैंने क्या करा, मेटा मटेरियल के इसके चारों तरफ इसको एक कवरिंग दे दी जो क्लॉक है मेटा मटेरियल का। इसने क्या किया, रे ऑफ लाइट को यूं घुमा दिया और वो सीधी निकल गई। यानी रे ऑफ लाइट जो है, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो रे ऑफ लाइट यूं आई और घूम के इधर निकल गई, तो जब वो टकरा के वापस मेरी आंखों में आएंगी रे ऑफ लाइट, तो मुझे ये मटेरियल नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड है वो दिखने लग गया है, क्योंकि रे ऑफ लाइट आई बगल से घूम के पीछे चली गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझें अपन, तो ये फिगर अपने को समझा रहा है, ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन बता रही है कि जो रे ऑफ लाइट है अगर ये मेटा मटेरियल की कोटिंग नहीं होती यहां पे, या मेटा मटेरियल नहीं होता, ये वो मेरा इनविजिबिलिटी क्लॉक नहीं होता, तो रे ऑफ लाइट जो आती टकराती इससे और इसे टकरा के इधर उधर रिफ्लेक्ट होती है, आंखों में गिरती है, अपने को दिख जाता। अगर ये मटेरियल कोई फ्लूइड या लिक्विड या पानी होता तो इसके अंदर होता रिफ्रैक्शन। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मैं रे ऑफ लाइट को बैंड कर दे रहा हूं। मेटा मटेरियल्स दोस्तों एक ऐसी फील्ड है जो कि, ये मान लो कि जो मेटा मटेरियल क्लॉकिंग की मैं बात कर रहा हूं, ये अभी शुरुआती दौर में है। अगर
इसी को मैं कंपेयर करूं कुछ पुराने हिस्टोरिकल इवेंट से, तो कुछ ऐसा है कि स्पेस रेस चालू होने से पहले 1951 में किताब आई थी, उस किताब को कहा जाता है कि उस किताब को रेफरेंस मान के अमेरिका के जो सबसे सेलिब्रेटेड रॉकेट साइंटिस्ट थे उनने अमेरिकन प्रेसिडेंट को कन्विंस करने की कोशिश की थी कि यस सर वी कैन लैंड ऑन मून, एंड बाकी सब दोस्तों हिस्ट्री है। अगर मैं ये बात बोलूं कि मान लो 1900 की शुरुआत में कोई इंसान बोलता है भाई एक ऐसा काला डब्बा आएगा जिसको आप कान पे लगाओगे और दुनिया के किसी भी कोने में बात कर लोगे किसी भी इंसान से और उस इंसान को जीता जागता देख भी सकोगे, तो लोगों को वो बात मानने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती। लेकिन आज की तारीख में सेलफोन की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी आसान हो गई है कि एक छोटा बच्चा भी उठा के सेलफोन चला लेता है, गेम खेल लेता है, फोटो खींच लेता है। दोस्तों जो सबसे पहली फ्लाइट उड़ी थी वो सिर्फ 12 सेकंड तक हवा में रह पाई थी, आज की तारीख में वो जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है कि 16-17 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट आजकल बहुत नॉर्मल बात है। तो जब भी कोई बड़ा आइडिया साइंस की फील्ड में आता है, माना शुरुआत में वो धीरे धीरे क्रॉल करता है, लेकिन टाइम के साथ जो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग गैदर करता है तो वो दौड़ने लगता है। अब इस सबका अपने से क्या रिलेशन है? इन सबका अपने से ये रिलेशन है कि कहीं ना कहीं वो एप्टीट्यूड, वो साइंटिफिक एप्टीट्यूड एक बच्चे के पास भी होना चाहिए जिससे कि वो अपने आगे जाए तो साइंस के फील्ड में कंट्रीब्यूट कर सके। एंड दैट्स व्हाट समथिंग इज बीइंग हैपनिंग जब मैं जे एडवांस के क्वेश्चंस को देखता हूँ। कैसे? तो अपन वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, अपन ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स में देखते हैं कि अगर मैंने एक स्ट्रो को पानी में डाला तो स्नेल्स लॉ कहता है कि ये स्ट्रो बेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। बात सही है। रिफ्रैक्शन जो है दोस्तों अपने को इतना पता है कि जो रिफ्रैक्शन है वो 1 लेते हैं अपन या फिर 1 से बड़ा होता है। ठीक है, मेटा मटीरियल्स एक ऐसा कैटेगरी है मटीरियल्स की जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा हो सकता है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा होकर नेगेटिव हो गया तो मेरे को जो स्ट्रो है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। अब देखो इसका कनेक्शन अपन बिठाते हैं जे एडवांस से, किस तरीके से जे एडवांस एक क्लासिकल एग्जाम्पल उठाता है और बच्चे को इस पर्टिकुलर फील्ड से, मेटामेटेरियल के इस वास्ट फील्ड से, और हैरी पॉटर के उस इनविजिबिलिटी क्लॉक के पास लेके जाता है। ये क्वेश्चन है दोस्तों 2012 में आया था। क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेटामेटेरियल्स के बारे में ही बात कर रहा है, सारी अपने को डिटेल यहां बता रहा है कि भाई जो नॉर्मल मटेरियल होते हैं उसमें ये सिचुएशन होती है, कुछ मेटामेटेरियल्स होते हैं, यू कैन सी हियर इट इज रिटन, मेटामेटेरियल्स होते हैं जिनकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, उसमें से एक प्रॉपर्टी है कि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लेस देन 1 या नेगेटिव भी हो सकता है। और फिर ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन थे इस पैसेज में, मैंने एक ही उठाया, यू कैन गो बैक एंड चेक, 2012 जी एडवांस का पेपर क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि अगर रे ऑफ लाइट एक एंगल पे आके टकराती है और ये नीचे मेरे पास मेटा मटेरियल है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नेगेटिव है तो बताओ क्या होगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो जस्ट नाउ जो मैंने एग्जाम्पल देखा था स्ट्रो वाला, आई कैन इजिली टेल कि दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पे तुम स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, दैट इज ऑलरेडी वैलिड, बट ध्यान क्या रखना कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नेगेटिव है, तो ट्रिग्नोमेट्री से भी तुम करोगे तो भी अपने को आंसर मिल जाएगा। लेकिन बात आंसर निकालने की नहीं है दोस्तों, बात है इस सवाल को पेपर में देने के पीछे की फिलोसफी की, सोच की। कहीं ना कहीं मेरे को यह चाह रहा है जी एडवांस की जो इमर्जिंग फील्ड है रिसर्च का, देखो दोस्तों मेटामेटेरियल का जो फील्ड है वो कहीं ना कहीं अपने आचार्य बोस ने चालू करवाया, उनको क्रेडिट देते हैं कि उनने पाइनियरिंग थॉट डाला था। 1967 में एक प्रपोजल आया था कि नेगेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के मटेरियल हो सकते हैं। 2006 में कुछ ना कुछ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हुए थे, अब मैं वो भी दिखाऊं तुमको लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट जो थे, तो वो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से थे जहां पे ये जो फिगर है ये फिगर बता रही है कि अगर मेरे पास एक सॉलिड मटीरियल है, ठीक है, उस पर अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालता हूं तो वी कैन सी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो वो बिखर गया है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे मेरे पास एक मेटा मटेरियल है जो कि इनविजिबिलिटी क्लॉक जैसी चीज बना सकता है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा और नेगेटिव भी हो सकता है, अगर मैं उस पर एक रेडिएशन डालता हूं तो यू कैन सी हेयर व्हाट्स हैपनिंग। इस रेड वाले पार्ट को देखो, इसमें जो लाइट है वो जो ये बैंड है ये दो पार्ट में टूटा, इसके दोनों तरफ से निकला और वापिस उड़ गया। यानी यहां पर बाकी सब में तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां तो बाकी सब बिखर गया है, यहां पे बाकी सबको तो पता भी नहीं चला क्या हुआ है, रेदर जो एक बैंड था जो सीधा किससे टकरा रहा था मटेरियल से, ऑब्जेक्ट से, उसको भी पता नहीं चला कि ऑब्जेक्ट है, और रेदर वो स्प्लिट हुआ और अगेन ज्वाइन हो गया। इफेक्टिवली रेडिएशन के लिए ये जो पर्टिकुलर जो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके लिए ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ये इनविजिबल हो गया। सो दोस्तों ये था एक बहुत ही फैसिनेटिंग सा रिलेशन अपने जेई एडवांस के एक क्वेश्चन के पीछे, उसकी फिलोसफी के पीछे, और द करंट इमर्जिंग फील्ड है
मेटीरियल साइंस का, मेटा मेटीरियल्स का, जहां पे इनविजिबिलिटी क्लॉक पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अभी काम कर रही है उसके बीच में। अगर पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, मेटा मेटीरियल का ऑप्टिक्स में एक और बहुत बड़ा रोल है। मैंने कम्युनिकेशन बता दिया है, मैंने जो इनविजिबिलिटी क्लॉक की बात कर दी, डिफेंस की बात कर दी, स्टिल एक बहुत ही पायनियर एप्लीकेशन है इसकी, कहीं ना कहीं रिलेटेड है वो लेंसेज से। यू हैव टू आंसर दैट इन द कमेंट सेक्शन, और जो सही जवाब देंगे उन बच्चों के नाम मैं अगले वीडियो में पहले ही बता दूंगा। लास्ट टाइम मैंने वीडियो के लास्ट में बताए थे, इस बार आई विल रीड आउट द नेम्स इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।